व्यूअर्स आई होप यू आर आर डूइंग वेल टुडे वी गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिक्स में टेक्स्ट इमेज ड्रॉइंग ग्राफ चार्ट्स इंक्लूड है तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करता है द मैनिपुलेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज और द डाटा इन अ ग्राफिकल मैनर यानी हम कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट इस तरह से करना है ग्राफिकल मैनर में आपका डाटा हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड जमा किया है किसी पॉपुलेशन का डाटा ठीक है किसी कंपनी के एम्प्लॉज का डाटा बट वो अगर आप वहाँ उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करें ठीक है उसमें से कुछ निकालना चाहें तो ओवरऑल आपका जो रॉ डाटा होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए लेकिन अगर आप उसी को ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करें तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन का डाटा है ठीक है उसमें अगर आपने मेल और फीमेल की परसेंटेज देखनी है ठीक है तो अगर आप उसको पाई चार्ट या बार चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो वो इजी होगा एज कंपेयर टू कि आप उसको सिंपली जो है वो कॉलम्स में इनलिस्ट कर दें कि फीमेल्स इतनी है मेल्स इतनी है ठीक है तो इस तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑलमोस्ट हमारी हर फील्ड में डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इट कम ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स टू क्रिएट स्टोर मोडिफाई रिप्रेजेंट पिक्चर्स फिर डिफरेंट जो हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं उन पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है या उनको एनिमेट एशियन में भी लाया जा सकता है ठीक है जो हमारे पास कॉमनली यूज हैं उन सॉफ्टवेयर में लोगो है ऑटो कैड है ठीक है थ्री डी स्टूडियो है एंड कॉरल ड्रा है ग्राफिक्स को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की टाइप्स कितनी है कंप्यूटर ग्राफिक्स की टू टाइप्स हैं वन ऑफ देम इज रास्टर ग्राफिक्स एंड सेकेंड वन इज वैक्टर ग्राफिक्स ग्राफिक्स को हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में प्रोड्यूस कर सकते हैं रास्टर ग्राफिक्स को देखते हैं रास्टर ग्राफिक्स जो हमारा जनरली कॉन्सेप्ट है इमेजेस और पिक्चर्स का वो रिलेटेड टू ग्राफिक्स है। इसको बिट मैप भी कहते हैं यानी इसमें जो इमेज या पिक्चर है वो काइंड ऑफ टू डायमेंशनल एरे ऑफ पिक्सल्स होती है रिप्रेजेंट मीन एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो आपकी फाइल है जिसके हॉरिजेंटल हो, एंड वर्टिकल पिक्सल्स हैं और इन पिक्सल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रेजोल्यूशन आती है इमेज जनरेटेड बाय डिजिटल कैमरा फॉर एग्जांपल फोर्टी वन टू एट एंड थ्री जीरो नाइन सिक्स तो ये हाई क्वालिटी इमेज है और इसमें जो क्या है डॉट्स हैं लेकिन अगर आप इस पिक्चर को इन करें फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पिक्चर है इसको अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो आपको हर पिक्सल्स जो है वो वाज दिखाई देता है तो बेसिकली रास्टर ग्राफिक्स या बिट मैप क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होते हैं जित इसमें जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतनी क्वालिटी हाई होगी जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतनी आपकी क्वालिटी पिक्चर की कम होगी इसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जे पी पी एन जी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ए पी एन जी है एंड जी आई एफ है इसमें से जो जेपीईजी जी है इसको डेवलप किया था कोलेबोरेटिव फोटोग्राफिक स्पेशलिस्ट ग्रुप ने और इस जो राष्ट्र ग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं इसके लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ हो रहे हैं लाइक फोटो शॉप और पेंट वगैरह यानी इससे जो इमेज बनी होती है वो रास्टर ग्राफिक या रास्टर इमेज होती है रास्टराइजेशन प्रोसेस से वो गुजर चुकी होती है तो आपने देखा जो हमारा कॉमन परसेप्शन है इमेज को लेकर ग्राफिक्स को लेकर वो बेसिकली रास्टर ग्राफिक्स वाला है अगर अब ये कहाँ यूज़ होती हैं ये जो फॉर्मेट है वो एक तो हमारे जो कैथोड रे ट्यूब्स मोनिटर्स हैं और प्रिंटर्स में ये फॉर्मेट यूज होता है ठीक है इसको फॉर्म इसको जो आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है सी में एंड प्रिंटर्स में यानी प्रिंट आउट के लिए अब हम सेकेंड वन जो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स है इसकी बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स बहुत डिफरेंट है रास्टर ग्राफिक्स से ये जो सिंपली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कमांड्स के तहत इसमें इमेज को क्रिएट किया जाता है, इसमें का नहीं है, इसमें, uh, है वेक्टर है है, तो उन को करके आपस में एक इमेज क्रिएट की जाती है फॉर एग्जाम्पल देखें ये डिफरेंस है रास्टर और वेक्टर में अगर आपने ये अल्फाबेट ए है इसमें डिफरेंट आप देख रहे हैं कि वेक्टर में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करके टेक्स्ट को बेसिकली फॉर्म किया गया है एंड द सेकेंड ऑन द अदर हैंड हैंडर इमेज आप देखें तो वहाँ पिक्सल्स को जो है वो कंबाइन करके लिखा गया और अब जब हम इसकी जो है वो इन लार्ज करके देखते हैं इसके एजेस अगर आप देखें तो आपको जो है सिंगल पिग्जल वाज तौर पर दिखाई देता है बट वेक्टर ग्राफिक्स में एजिस काफी स्मूथ होते हैं यही वजह है जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो ज्यादा स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इनको किसी कंपनी का लोगो या पंपलेट वगैरह डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप जितना मर्जी इनको जो ग्राफिक्स को स्केल अप कर लें या डाउन कर लें इनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होती इसी वजह से वेक्टर ग्राफिक्स बिट मैप से ज़्यादा बेहतर कंसिडर किए जाते हैं और इसके लिए जो फाइल फॉर्मेट यूजली यूज होते हैं वो एस वी जी ई पी एस और पी डी एफ है एस वी जी कॉमन है स्केलेबल वैक्टर ग्राफिक्स इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करते हम हुए हम वैक्टर ग्राफिक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं क्रिएट मॉडिफाई कर सकते हैं वो है ड्रा एंड आडोबीलिस्ट्रेटर अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स ये तो हमने पता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर ही जो है वो तकरीबन हर फील्ड में यूज़ हो रहा है और बेसिकली ग्राफिक्स ही का वो काम कर रहा है तो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें डिफरेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स की मेन जो एरिया जो इसके एप्लीकेशन हैं वो तो साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल हो रही हैं ठीक है थे? एक तो रिपोर्ट्स में हो रही हैं दूसरा ग्राफिक्स जो हैं वो रिसर्च यानी बायोलॉजिकल रिसर्च में भी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सेकंड जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी एजुकेशन में जो आपने एजुकेट करना हो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम डिफरेंट ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं एनिमेशन को यूज़ करते हैं ट्रेनिंग में हम डिफरेंट मॉडल्स बनाकर जो है वो ट्रेन किया जाता है टीचर्स को स्टूडेंट्स को एंड इंजीनियरिंग फील्ड में ग्राफिक्स जो है हम बहुत यूज़ हो रहे हैं इंजीनियरिंग में ज़्यादातर अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो मैप्स वगैरह में सिटी मॉडलिंग सिमुलेशन इसमें फिर इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनमें हम देखते हैं कि लार्ज डाटा होता है और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन इमेजेस लाइक बार चार्ट पाए चार्ट इस तरह की चीज़ें ठीक है मीडिया में तो हम देखते हैं कि ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लाइक आप एड में देख रहे होते हो जो कमर्शियल एड्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक का रोल होता है इसके अलावा एडिटिंग में ग्राफिक्स का बहुत रोल है फिर फ्लाइट सिमुलेटर यानी जहाँ पायलट्स को ट्रेन करने के लिए जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तो बेसिकली ये वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक uh, है सो so, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अल्लाह हाफिज़